जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन एक जमाना था। और मेरे भाई लोग सब बढ़िया यार। वो दिन भी क्या दिन थे ना, जब जिंदगी एकदम सिंपल हुआ करती थी आज की तेज तर्रार दुनिया से दूर। वो दिन भी क्या दिन थे ना, जब हमारे थोपड़े पे करियर के टेंशन के बजाय मासूमियत झलक रही होती थी। तो आओ मेरे दोस्तों, एक नजर डालते हैं उन्हीं बीते लम्हों पे जो आज हमारी जिंदगी से जा चुके हैं। तो अफसोस, अब वो दिन चले गए। लेकिन एक मजे की बात बताऊं दोस्त, जैसे आज हम अपनी बचपन को याद करके सुकून महसूस कर रहे हैं ना, वैसी अपने बुढ़ापे में हम इस जवानी को याद करके सुकून महसूस कर रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम अपने पास्ट को याद करते हैं ना दोस्त, तो हमारे दिमाग में सिर्फ अच्छे मोमेंट्स आते हैं। ये नहीं आता कि मैं उस वक्त भी 10 प्रकार के झमेले में फंसा हुआ था। और यही रीजन है कि जब कभी भी हम अपनी पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं ना, तो हमें अपना प्रेजेंट झंड ही लगता है। तो बस यही टेंडेंसी अंग्रेजी में कहलाती है दोस्तों डिक्लाइनिज्म। क्या डिक्लाइनिज्म? डिक्लाइनिज्म का मतलब होता है दोस्तों पास्ट को हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखना और प्रेजेंट या फ्यूचर को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखना, जिसकी वजह से तुमको अपना प्रेजेंट एकदम झंड लगता है। लगता है कि दिन पर दिन तुम्हारी जिंदगी जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। तो अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, तो पहली बात तो ये दोस्तों कि ये ना एक ट्रिक ऑफ द माइंड है, या बोल सकते हो ये एक इंसानी फिराक है कि जब कभी भी हम पास्ट को याद करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ अच्छे मोमेंट्स आते हैं। ये नहीं आता कि कितने सारे झमेले में फंसा हुआ था उस वक्त पे मैं। और अगर पास्ट के कुछ बुरे मोमेंट्स आपको याद आते भी होंगे, तो उसका कुछ खास टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वो टेंशन उस वक्त के साथ ऑलरेडी जा चुका है ना। और वहीं पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। बस फर्क इस बात की है कि वो चीज आपको या तो दिखाई नहीं दे रहा है, या तो बाकी परेशानियों के सामने वो चीज कहीं छिप चुका है, या हो सकता है कोई एक अच्छी चीज आपके लाइफ में हुई हो प्रेजेंट में और आप उसको लेके खुश भी हो, लेकिन उस खुशी को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बाकी 10 प्रकार के टेंशन भी है आपके लाइफ में। जैसे देखो, जब तक बंदी आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको चूतिया लगती है, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाती है, अचानक से आपको दीपिका लगने लगती है यार। अब उसके साथ पास्ट में बिताए सारे मोमेंट्स आपको कीमती लगने लगते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार कुछ ना कुछ तो रीजन था जिसके वजह से हमारे बीच आए दिन झगड़ा होता था, जो फाइनली ब्रेकअप में बदल गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम कैसे डिक्लाइनिज्म वाली टेंडेंसी अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा दोस्त कि डिक्लाइनिज्म वाली टेंडेंसी कई चीजों में जायज है। जैसे कि अगर बात पर्यावरण या वातावरण की आए, तो यार हमारी जिंदगी सच में बद से बदतर होती चली जा रही है, तो यहाँ पे तो हमको एक्सेप्ट करना होगा ना डिक्लाइनिज्म, तभी तो इसके ऊपर कोई जरूरी एक्शन ले पाएंगे। हाँ, बाकी चीजों में टेंडेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको रोजी रेट्रोस्पेक्शन अवॉइड करना होगा। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पास्ट को रिव्यू करना, मगर रोजी रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है रंगीन चश्मा पहन के पास्ट को रिव्यू करना। अगर भैया आप रंगीन चश्मा पहन के पास्ट को रिव्यू करोगे, तो आपको जिंदगी तो रंगीन ही दिखेगी ना, भूतकाल की। जैसे अभी अगर मैं जीजीयू के अपने बैचलर्स वाली
जिंदगी को वापस याद करता हूं ना, तो लगता है यार वो दिन भी क्या दिन थे। डेली कॉलेज जाना, एक से बढ़ के एक बंदियां ताड़ना, दोस्तों से मिलना, टीचर के साथ क्लास में बीसी पेलना। फिर अगर मैं अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के सोचू ना, तब समझ आता है कि नहीं, मेरे जीजू की बैचलर्स वाली लाइफ भी झंडी थी, कुत्ते जैसी ही थी। वही डेली कॉलेज जाना, कपल्स को देख के जलना, अपने को किसी से भाव ना मिलना, वही चूतिए दोस्त, हरामी दोस्त जो आज तक मेरा उधार वापस नहीं किए हैं। ऊपर से पढ़ाई में भी हमेशा एवरेज मार्क्स ही आता रहा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी तबाही थी उस वक्त पे। इसलिए रेट्रोस्पेक्शन सही है, मगर रोजी रेट्रोस्पेक्शन सही नहीं है। खुद को याद दिलाओ कि बेटा उस वक्त पे भी तुम कोई 30 मार खानी थे, कोई तोप चलनी थे तुम, उस वक्त पे भी तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं झंडी थी जैसे आज है। तो अब डिक्लाइनिज्म अवॉइड करने का दूसरा सोल्यूशन है ऑप्टिमिज्म। बोलते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस चीज को नहीं मानता, इस चीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती मुझे इस चीज पे विश्वास करना होता है, तभी तो कल मैं बिस्तर से उठ पाऊंगा ना। वरना अगर मैं मान लिया कि जो कुछ भी होता है मेरे पकौड़े लगाने के लिए होता है, तो फिर मैं बिस्तर से क्यों उठूं? तो ये बोल सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सही हो या ना हो, मगर इस झंड जिंदगी को कंटिन्यू करने का थोड़ी देर के लिए सही, मगर हिम्मत आ जाता है। और तीसरा सोल्यूशन ये है दोस्तों कि हमें खुद को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि यार जिंदगी उतनी भी झंड नहीं है जितना हम बार बार सोच रहे हैं या उसको हम बोल बोल के बना दे रहे हैं। बेटा जो तुम बोल रहे हो ना कि वो दिन भी क्या दिन थे, बच्चा पैदा होते ही मरने का खतरा मंडरा रहा होता था, और अगर किसी तरीके से वो बच्चा सरवाइव कर जाता था तो उसको 1000 प्रकार की बीमारियां होते रहती थी जिसका कोई इलाज नहीं था उस वक्त पे। मगर अब तो यार सोचोगे तो कहीं ना कहीं मुर्दे को भी जिंदा कर दिया जा रहा है। तुम्हारे क्लिक पे दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जा रहा है। क्या ये जादू नहीं है? जिस बचपन को तुम याद करके सुकून ढूंढे पड़े हो ना, अपने आप को ये भी याद दिलाओ कि यार ठंड के मौसम में सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तुमको स्कूल जाना होता था, फिर स्कूल में जाके वही मैथ्स के लेक्चर जबरदस्ती ना चाहते हुए भी तुमको झेलना पड़ता था, तो फिर काहे का सुकून। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यार पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब मारो इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूंगा यार कि उतनी भी जिंदगी झंड नहीं है तुम्हारी। हो सकता है आज तुम्हारी जिंदगी तुमको 2 कौड़ी की लग रही है, और यही 2 कौड़ी की जिंदगी कल तुमको करोड़ों में खेलने में मदद कर दे। आस्ता ला विस्ता।